नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो शादी के बाद स्त्री और पुरुष दोनों को ही नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये चीजें स्त्री और पुरुष दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं। क्या आप जानते हैं कि खाने का भी सेक्स लाइफ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है? जैसे डार्क चॉकलेट और बादाम को सेक्स ड्राइव बढ़ाने वाले फूड माना जाता है, जबकि कुछ खाने की चीजें ऐसी भी हैं जो सेक्स लाइफ पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि खाने की वो कौन सी चीजें हैं जो सेक्स लाइफ पर व प्रजनन अंगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यदि आप भी खाने में ऐसी चीजों से अनजान हैं, तो आज हम आपको परिचित करवाने जा रहे हैं खाने की कुछ ऐसी ही चीजों से जिन्हें अपने फूड मेनू से सीधे बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें शादी के बाद आपकी जीवन की खुशहाली को खत्म कर सकती हैं। नंबर एक, तला भुना खाना। ज्यादा तला भुना खाना भी शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, साथ ही सेक्स ड्राइव के लिए भी। दरअसल फैट्स की अधिक मात्रा जो इस तरह के भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है, वह हार्मोन के स्त्रावण को बाधित करती है। इसलिए अगर आप अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के मूड में हैं, तो डिनर के मेन्यू से फास्ट फूड को बाहर कर दें। नंबर दो, आर्टिफिशियल स्वीटनर। यदि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तुरंत सावधान हो जाइए। दरअसल इनके अधिक सेवन से हैप्पी हार्मोन कहे जाने वाले सीरोटोनिन के स्त्रावण में गड़बड़ हो जाती है। इसके दूसरे साइड इफेक्ट भी होते हैं, जिनमें अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, चिंता आदि प्रमुख है। इसलिए अगली बार से जब अपने किचन का सामान खरीदें, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर की जगह शहद व गुड़ जैसे नेचुरल स्वीटनर को खरीदें। नंबर तीन, सोडा। कुछ लोगों की आदतों में शुमार होता है कि वे रोज खाने के बाद सोडा पीते हैं। रोजाना सोडा या फ्लेवर ड्रिंक लेने की आदत स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसका नियमित सेवन न सिर्फ मोटापे, दांतों में सड़न और डायबिटीज का कारण बन सकता है। नंबर चार, डेयरी प्रोडक्ट्स। आजकल मार्केट में जो डेयरी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, उनमें से अधिकांश नेचुरल नहीं हैं। इसलिए अधिकतर हाई फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स बॉडी डैमेज का कारण बन जाते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स के अधिक सेवन से एस्ट्रोजन, प्रोजिस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन आदि हार्मोन्स के स्त्रावण में गड़बड़ हो सकती है। इसके अलावा शरीर में विषैले तत्वों की अधिकता हो जाने पर भी सेक्स लाइफ प्रभावित होती है। नंबर पांच, चिप्स। चिप्स का एक पैकेट आपके शरीर के टिश्यू और कोशिकाओं को डैमेज कर सकता है, साथ ही आपकी सेक्स ड्राइव को भी। जी हाँ, दरअसल आलू की चिप्स को बहुत अधिक तापमान पर और जले हुए तेल में तला जाता है। यह खराब फैट्स और हाई टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन सेक्स ड्राइव के लिए बेहद हानिकारक होता है। नंबर छह, मिंट। क्या आपको लगातार मिंट या च्युइंगम चबाने की आदत है? तो अगली बार इसे चबाने से पहले जरा सावधान हो जाइए। एक तरह जहां ये पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है वह सांस की बदबू से छुटकारा दिलाती है, वहीं दूसरी तरफ मिंट का अधिक सेवन मेंथोल बनाता है, जो सेक्स ड्राइव को कम करने का काम करता है। इसलिए अगर सांसों की दुर्गंध से परेशान है, तो प्राकृतिक माउथ फ्रेशनर का यूज करें, न कि मिंट च्युइंगम का। नंबर सात, कॉर्नफ्लेक्स। शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि कई लोगों को मनपसंद ब्रेकफास्ट कॉर्नफ्लेक्स सेक्स ड्राइव को कम करने का काम करता है। इसलिए जब भी आप कोई रोमांटिक ब्रेकफास्ट प्लान करें या सोने से पहले कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो, तो कॉर्नफ्लेक्स को अवॉइड करें। नंबर आठ, कॉफी। सुबह की एक कप कॉफी मूड फ्रेश कर देती है, लेकिन दिन भर में बहुत ज्यादा कॉफी पीना सेहत के लिए और साथ ही आपके मूड के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। इसके अधिक सेवन से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन के स्रावण में गड़बड़ी होती है। इसलिए अगर आप खुशी और प्यार भरा दिन चाहते हैं, तो अपनी डाइट में कॉफी को शामिल न करें। नंबर नौ, सोया। सोया बड़ी या सोया आटा को कुछ लोग अपने भोजन में मीट की जगह शामिल कर लेते हैं। दरअसल यह पौष्टिक तो होता है,
लेकिन इसमें पाया जाने वाला फाइटोएस्ट्रोजन पुरुष सेक्स हार्मोन के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। यह पुरुष के प्रजनन अंगों व उनकी शारीरिकी के लिए ठीक नहीं होता है। इसके सेवन से सेक्स ड्राइव में कमी आती है। नंबर 10, अल्कोहल। आपको अल्कोहल लेने के बाद रिलैक्स महसूस हो सकता है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। दरअसल अल्कोहल शरीर को संवेदनाहीन व नींद से भरा बना देता है, जिसके कारण ड्रिंक करने वाला रिलैक्स महसूस करता रहता है। इसलिए अगर आप ड्रिंक करने के बाद खुद को बहुत रोमांटिक महसूस करते हैं, तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद टेस्टोस्टेरोन का स्रावण बाधित होता है, जिसके कारण सेक्स ड्राइव में कमी आती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे पदार्थ जिनको आपको शादी के बाद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, इन 10 चीजों का कभी इस्तेमाल न करें। तो दोस्तों, अभी हमारे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही। धन्यवाद।